लर्निंग आउटकम्पोज आधारित ब्रेड कोर्स आज हम सीखेंगे कक्षा अच्छा आठवीं की जो सभी क्लास के लिए जरूरी है सीखना क्योंकि अगर हम गणित में संभाल लगाएंगे तो हमारी जड़ मजबूत होना ज़रूरी है अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो इसमें बहुत से टॉपिक हैं वर्कशीट हैं जो हमें हर सवाल का हल करने में सहायता मिलेगी इसलिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है आल नोटिफिकेशन बेल होता है उस पर क्लिक करना है जिससे सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे अन अन्य दोस्तों की आपकी मदद हो सके ठीक है आज हम वर्कशीट एक देखेंगे ठीक है फिर वर्कशीट दो तो, क्योंकि हमें खिचड़ी नहीं पकानी है एक टॉपिक पूरा एक वीडियो वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक है हम समझते हैं पूर्णांकों में गुणन और भाग करना ठीक है बर्कशीट एक यानी कि जो पूर्णांक यानी धनात्मक होता है ऋणात्मक धना वो ऋणात्मक कौन होती है पहचानते हैं घटती संख्या यानी कम कमी क्षय निकालना या हानि ठीक है बढ़ती संख्या ज़्यादा वृद्धि जमा करना या लाभ ठीक है सीधी बात इसके चिन्हों के गुणा को अपन को समझना है जिससे एक चिन्ह के प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस होने पर आपका सवाल ही बदल जाता है तो देखेंगे पूर्णांकों का गुणन यानी प्लस गुणे प्लस होता है प्लस माइनस गुणे माइनस होता है प्लस ठीक है और प्लस गुणे माइनस होता है माइनस सीधी बात आपको ध्यान करने का ये है तरीका जो एक से चिन्हों का गुणा होता है वो धन होता है जैसे देखो प्लस में प्लस का हुआ तो प्लस हुआ ऋण में ऋण का हुआ तो प्लस हुआ ठीक है और जैसे अलग चिन्हों का होता है गुणा वो माइनस होता है जे बस ध्यान में रखना है आपको पूरा टॉपिक ये समझ में आ जाएगा ठीक है ऐसे भाग में पूर्णांकों का भाग जो एक से चिन्हों का भाग होगा वो प्लस ही आएगा जो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो वो अलग चिन्हों का भाग होगा वो माइनस ही आएगा ठीक है देखेंगे उदाहरण में देखेंगे गुणन यानी आठ चौकों बत्ते जैसे एक से चिन्ह धन तो धन वाला बत्तीस आया आठ चौको बत्तीस ऋण है ठीक है अलग चिन्ह है ना धन और ऋण का बत्तीस आया चार आठ है बत्तीस ठीक है बत्तीस आया ऋण में चाहे आगे हो वो चाहे पीछे हो प्लस या माइनस ठीक है अलग चिन्ह होना चाहिए तो क्या आएगा ऋण ही आएगा ठीक है, है तो भाग में देखें इसी तरीके से आठ और चार मेरे मतलब चार का भाग आठ में दे रहे तो एक साथ चिन्ह धन का और धन का चार धुनी आठ ठीक है चार धुनी आठ इसमें अलग चिन्ह तो ऋण का आया ठीक है चार धुनी आठ इसमें अलग चिन्ह ऋण का आया चार धुनी आठ ठीक है इसमें देखो ऋण ऋण का है तो धन आया फिर देखें प्रयास कीजिए मैं देखेंगे बस यही ध्यान रखना जो एक से चिन्ह हो उसमें धन आता है ग्यारह धुनी बाईस देखो धन का आया ठीक है एक से ऋण चिन्ह है छः चुको चौबीस धन आया अलग चिन्ह है पंद्रह एक पंद्रह कर दो एक का पंद्रह में एक ही बात है ऋण में आएगा ठीक है फिर देंगे आठ का तेरह में पढ़ लो या तेरह का आठ में एक ही आंसर आएगा तेरह ते, एक से चार ऋण में ठीक है तो चौदह चौदह का पढ़ लो या सात का पहाड़ा एक ही बात है सात चौदह सत्ते अंठानवे ठीक है क्योंकि धन धन के हैं तो धन ही आएगा फिर दस का बारह में पढ़ लो या बारह का दस में अलग चिन्ह है बारह धाम एक सौ बीस ठीक है ऋण का आया तो देखो इसी तरीके से दो इसको सिस्टम को समझना है कि पहले कोष्टक या गुणा करें कि भाग करें या गुणा ठीक है या प्लस या माइनस पहले करें तो इसको सीखने के लिए हमने एक वीडियो हमारे चैनल पे है बोर्ड मा, मास ठीक है रूल उसको आपको देखना है पूरा क्लियर आपका टॉपिक टो, टो, समझ में आएगा कि भाग करना है पहले कि कोष्टक करना है कि गुणा करना है कि भाग पहले क्रम से रहेगा ठीक है उसमें बताया गया पूरा आपको समझ में आएगा गया ठीक है देखेंगे देखो तो उसमें रूल में जी बताया गया है कि जो पहले कोष्टक है चिन्हों में पहले कोष्टक हल करेंगे ठीक है तो इसमें चिन्ह भी देखेंगे कौन सा है ऋण है आठ में तीन को घटाओ कितने बच रहा यहाँ पे माइनस के पाँच बज रहे क्योंकि देखो इसमें जे भी रूल देखता है कि जो बड़ी संख्या होती है जिस चिन्ह का वही चिन्ह आता है तो आठ है बड़ा इससे ठीक है तीन से तो ऋण का आएगा ठीक तो है तो ये ध्यान रखना है तो पाँचों को बीस से अलग चिन्ह हो गए तो बीस ऋण का आया ठीक है इसी तरीके से देखेंगे देखो एक से चिन्ह है ऋण ऋण के छः पाँच छः तीस धन का बन गया फिर देखो एक से चिन्ह है दो एकम दो ठीक है ये भी धन का बन गया और धन अधन क्या होता है धन ही होगा यानी प्लस ठीक है तो जीरो वाला गुणा बहुत ही सिंपल होता है आपको तीस का नहीं बनता हो तो देखो तीन दुनी छः कर दो और एक जीरो है बढ़ा दो ठीक है ऐसा है होता है गुणा ठीक है और जे भी ध्यान रखना है आपको जो जीरो का गुणा किसी भी संख्या में हो तो वो जीरो ही होगी संख्या इसका अगर इसमें जीरो में हुआ तो जीरो होगा इसका अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा आंसर ठीक है चाहे गुणा करें किसी भी संख्या का जीरो में तो जीरो ही आएगा या भाग करें तो किसी भी संख्या का वो जीरो ही आएगा तो वो कोष्टक में क्या है पचास में से दो गए तो क्या आया अड़तालीस ठीक है वो भी धन के क्योंकि बड़ा चिन्ह क्या है धन का है पचास ठीक है अड़तालीस अब चाहे अड़तालीस का सात में पढ़ लो या सात का अड़तालीस में एक ही बात है गुणा करेंगे सात आठ छप्पन पाँच हासिल पाँच सात चोको अट्ठाइस अट्ठाईस सौ पाँच ठीक है सात आठ छप्पन की छः हँसल पाँच सात चोको अट्ठाइस अट्ठाइस में पाँच जोड़ो कितने हो रहे ठीक है तैतीस ठीक है आ गया तो देखो जी कोष्टक देखेंगे यहाँ पे कोष्टक है अब क्यों कोष्टक को हल करेंगे पहले तो छः और दो यानी कि जो ऋण हैं अलग चिन्ह हैं और धन का चिन्ह मतलब छः बढ़ा है धन का तो छः में से दो गए चार बचा फिर दस का गुणा करेंगे चार में दस चौकों चालीस ठीक है फिर देखो इसको भी कोष्टक वाले हल को करेंगे पहले तो कितना हो गया जुड़ गया अलग चिन्ह है गुणा करेंगे आठ गुनी सोलह ऋण का आया ठीक है इसी तरीके के हम अब देखो भाग देंगे यानी कि गुणा का सिस्टम आ गया समझ में ठीक है अब हम मान ज्ञात कीजिए यानी भाग का सिस्टम देखेंगे वही है सात आठ है वो सात चौको अट्ठाईस चार बार गया अलग चिन्ह है ऋण आया बस यही देखना है और कुछ नहीं आठ आठ का भाग दो एक सौ बीस में आठ ही कम आठ ठीक है बची कितने चार बच्चे, आठ पन चालीस ठीक है वो भी ऋण का अलग चिन्ह है ना ठीक है फिर देखो बारह छंग बहत्तर एक से चिन्ह का आया दस दुनी बीस ठीक है आया अलग चिन्ह का छः छः का भाग मतलब छः का भाग देंगे चौबीस में छः चौको चौबीस ठीक है का ठीक है फिर देखेंगे आगे देखो तीन का भाग तीन में देंगे अलग चिन्ह तीन कम तीन ऋण का फिर देखो वही कंडीशन आ गई कोष्टक वाली पहले कोष्टक वाला हल करेंगे अलग चिन्ह है इसको घटाएंगे तो ऋण का आएगा एक क्योंकि बड़ा है दो एक से ठीक है फिर अपन भाग देंगे तीन में तो तीन ए कम तीन ऋण का फिर वही बात कि इसमें जो कोष्टक है वो हल करेंगे पहले बाराती छत्तीस अलग छह है ना, फिर इसका डिवाइड में लिख देंगे क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा ठीक है आंसर क्योंकि अपन डिवाइड दशमलव में आता या अपन ऐसा लिख सकते भाग देखें फिर देखो ये कोस्टक में आ गया ठीक है कोश्टक वाला हल करेंगे यानी पा पहले पाँच और छः को घटाएंगे अलग चिन्ह तो ऋण का वो आएगा एक फिर कोष्टक वाला हल करेंगे तो दो में से एक गया वो भी ऋण का एक आया ठीक है अलग चिन्ह भाग दिया ओ एक से चिन्ह है भाग दिया एक आएगा धन का ठीक है फिर देखो दो का भाग देंगे बत्तीस में दो एकम दो ठीक है ऋण है एक से चिन्ह है प्लस में आएगा दो एकम दो पच्चीस एक दो, दो छंग बारह यानी कि सोलह आया ठीक है अपना आंसर जो कोष्टक में है वो पहले हल करेंगे वही कंडीशन चार चूके सोलह ऋण का है ठीक है इसमें भाग देंगे ऋण का एक से चिन्ह है तो दो, दो दुनी चार धन का ठीक है फिर देखो एक से चिन्ह धन धन तो चार का भाग चार एक चार चार धोनी आठ भागे में ऋण तीन ये अलग चिन्ह हो गए तो तीचों को बारह ऋण का इसी तरीके से हम अगली वर्कशीट अगली वीडियो में देखेंगे और शेयर करें जिससे आपके दोस्तों और अन्य फ्रेंडों को मदद मिल सके और हम आशा करते हैं हमको हमारी वीडियो पसंद आई हो और लाइक और शेयर ज़रूर करें धन्यवाद